नमस्कार, स्वागत है आपका देश रोजाना पर। मैं हूं भूमिका और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा खास सफर जहां हर खबर के पीछे की कहानी और उसके असर को समझेंगे। हम खोलेंगे उन दरवाजों को जो आम जनता के सवालों को छूते हैं। राजनीति की नब्ज कहो, खेल की गर्मी कहो या समाज के बदलाव, हर मुद्दे को बारीकी से परखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरें। यूपी के बिजनौर में चोरों की हिम्मत का नया नमूना सामने आया है। गुलदार को पकड़ने के लिए बकरी का किया अपहरण। सीएम योगी का जोरदार हमला, पाकिस्तान समर्थित दलों पर रखी चुनावी दावेदारी। संजय राउत का अदालती ड्रामा, 15 दिन की सजा के बाद राहत की नई किरण। कोलकाता में हवाई हादसे का मंजर, इराक से बीजिंग जा रहे प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। इंदौर की बिकनी गर्ल की कहानी, ट्रोलिंग से टूटकर मांगी माफी, जीवन को लेकर उठाए सवाल, कहा कि शर्मिंदा हूं, जीना ही नहीं चाहती। धरती पर छिपा नरक का दरवाजा, 54 साल पुरानी भयानक रहस्य से उड़ी धुंध, बताया जा रहा है मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान में मौजूद है दरवाजा। दिल्ली विधानसभा में तकरार, स्पीकर ने बीजेपी विधायक को लगाई झड़की, सुरक्षा मुद्दे पर गरमाई बहस। टीना डाबी का गुस्सेल रूप, स्वच्छता अभियान के दौरान दुकानदार को सख्त चेतावनी, मामला बाड़मेर जिले का है। इसराइली सेना का अलर्ट, लेबनन में संभावित हमले की तैयारी, सुरक्षा स्थिति बनी गंभीर। कंगना रनौत की इमरजेंसी सेंसर सर्टिफिकेट की राह में आई कुछ शर्तें, अब देखना बाकी है क्या होगी फिल्म की किस्मत। अब सुर्खियां हरियाणा से, तो हरियाणा का सपना, बच्चों की मुस्कान और युवाओं का विदेश पलायन। असंध में आयोजित चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने हरियाणा की युवाओं की समस्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम ऐसा हरियाणा चाहते हैं जहां बच्चे ना रोएं, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि युवा खेत बेचकर विदेश जाने को मजबूर है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए, आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी काले कानूनों के जरिए किसानों का हक छीनने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अरबपतियों का कर्ज माफ किया जा रहा है, जबकि किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। उन्होंने हरियाणा में बढ़ती ड्रग समस्या का भी जिक्र किया, ये कहते हुए कि सजा के डर के बिना लोग इसे खुलेआम कर रहे हैं। राहुल ने नोटबंदी और जीएसटी के दुष्परिणामों पर भी चिंता जताई, ये कहते हुए कि ये कदम छोटे व्यवसायों को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। राहुल ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि हाल ही में उन्होंने अमेरिका के टेक्सास में हरियाणा के युवाओं से मुलाकात की, जहां उन्होंने देखा कि 15,000 से 20,000 लोग हरियाणा से अमेरिका में जाके बस चुके हैं। उन्होंने युवाओं से पूछा कि वे वहां कैसे पहुंचे, तो कई ने डोंकी जैसे मार्ग के बारे में बताया, जो कि अवैध तरीके से विदेश जाने का एक तरीका है। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इस बदलते दौर में सक्रिय रहें और तकनीक का सही इस्तेमाल करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहकर संबोधित किया और पूछा, आपका मूड कैसा है। इस रैली के माध्यम से उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए माहौल बनाने की कोशिश की, ताकि हरियाणा के लोगों की समस्याओं का सही समाधान हो सके। हरियाणा चुनाव, महिला पहलवानों की आखिरी उम्मीद, विनेश फोगाट, खेल मंत्री बनने की चाहत। चरखी दादरी की विनेश फोगाट, जो हाल ही में पेरिस ओलंपिक से लौटने के बाद कांग्रेस में शामिल हुई, हरियाणा की युवा महिला पहलवानों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी हैं। और कई महिला पहलवान, विशेषकर WFI के पूर्व प्रमुख पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के मद्देनजर अपने करियर को लेकर चिंतित हैं। वे चाहती हैं कि विनेश फोगाट खेल मंत्री बने, ताकि उनकी वापसी संभव हो सके। अखाड़ों में युवा पहलवानों का एक समय था जब वे सिर्फ प्रतियोगिताओं में पदक जीतने और सरकारी नौकरी पाने के सपने देखते थे, लेकिन जनवरी 2023 में फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों ने सब कुछ बदल दिया। विरोध के दौरान WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग की गई थी, जिसके बाद से युवा महिला पहलवानों में पहलवानी छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। युद्धवीर अखाड़े की एक युवा पहलवान ने कहा कि मैं विरोध प्रदर्शनों के बाद 5 महीने तक नहीं आई, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे अनुमति ही नहीं दी। मैंने किसी तरह उन्हें मना लिया है, लेकिन अब मेरे पिता मेरे साथ रहते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विनेश के चुनाव जीतने के बाद उन्हें खेल मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि वो महिला पहलवानों की समस्याओं को समझती हैं।
हालांकि फोगाट अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उन्हें राज्य के कई पहलवानों और प्रशिक्षकों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा, हमें ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो विधानसभा में हमारी आवाज़ बन सके। फोगाट ने स्पष्ट किया कि वो नहीं चाहती कि जुलाना सिर्फ उनके नाम पर जाना जाए, बल्कि वो सभी महिला पहलवानों के लिए आवाज़ उठाना चाहती हैं। हरियाणा में किंग मेकर बनने की रेस, दुष्यंत, मायावती, चंद्रशेखर अभय, गोपाल कांडा और आम आदमी पार्टी की भूमिका। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किंग मेकर बनने की दौड़ में कई प्रमुख दल शामिल हैं। दुष्यंत चौटाला, मायावती, चंद्रशेखर, अभय चौटाला, गोपाल कांडा और आम आदमी पार्टी जैसे नेता इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी के नेता हैं, अपने राजनीतिक कौशल से एक प्रभावशाली गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा भी राज्य में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश में है। चंद्रशेखर की भारतीय राष्ट्रीय लोकदल जो युवा वोटर्स के बीच लोकप्रियता हासिल कर रही है, अपने समर्थकों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अभय चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के नेता हैं, पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। गोपाल कांडा जो एक विवादास्पद नेता हैं, अपने समर्थन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए रणनीतियों पर काम कर रही है। इन सभी नेताओं की चुनावी रणनीतियां और उनके संभावित गठबंधन हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकते हैं। और देखना ये होगा कि कौन सा दल किंग मेकर की भूमिका निभाने में सफल होता है और किसके पास सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने की ताकत होती है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की बोलती कर दी बंद, शैलजा हुड्डा ने किया हरियाणा में चुनावी बिगुल का सामना। कुमारी शैलजा ने करनाल के असंध में चुनावी रैली के दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला, कहकर कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी की बोलती बंद कर दी है। ये रैली हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आयोजित की गई, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा के साथ शैलजा पहली बार एक मंच पर नजर आईं। शैलजा ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस की एक तरफा जीत तय है और सभी वर्ग के लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। उन्होंने शमशेर सिंह योगी के नामांकन का जिक्र करते हुए कहा कि इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की विजय सुनिश्चित है। शैलजा ने लोगों से अपील की कि उन्हें भाजपा के कुशासन से मुक्ति दिलानी है और ये उत्साह उन्हें 5 अक्टूबर को दिखाना है। उन्होंने जनता से कहा कि सभी वर्ग इस चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। इस रैली में राहुल गांधी के नेतृत्व को भी सराहा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में खुद को साबित कर मोदी सरकार की गलत नीतियों को उजागर किया है। तो इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हर खबर में एक नई कहानी होती है और हम आपके लिए उसे लाने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए अनमोल है, इसीलिए उन्हें साझा करना ना भूलें। जुड़े रहें देश रोज़ाना के साथ, क्योंकि यहाँ हर दिन है एक नई शुरुआत। देखते रहिए देश रोज़ाना, बेवाक सच। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।